तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। गाइस तो उम्मीद करते हो आप रोजाना की तरह अच्छे होंगे। तो गाइस आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है दोस्तों। आज की वीडियो में जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा अगर आपका बैंक अकाउंट है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में और आपको अगर मोबाइल नंबर रजिस्टर या फिर चेंज करना है तो कैसे आप रजिस्टर या चेंज कर सकते हो घर में बैठे बैठे, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, पिछली वीडियो में जो मैंने बनाया कि पंजाब नेशनल बैंक में कैसे मोबाइल नंबर रजिस्टर करें, तो दोस्तों उसमें जो है मेरे पास कमेंट आया कि सर मुझे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मेरा बैंक अकाउंट है और उसमें जो है मुझको अपना मोबाइल नंबर जो है चेंज करना है। तो इसीलिए गाइस देखिए मैं ये वीडियो जो है मैं आज बना रहा हूँ और इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप अपने सेंट्रल बैंक में कैसे मोबाइल नंबर को चेंज कर सकते हो बिल्कुल ईजी तरीके से। तो गाइस बिना कुछ देरी करे चलो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और ध्यान रखिए गाइस वीडियो का पूरा देखिएगा क्योंकि आप सभी लोग जानते हो कि आधी अधूरी जानकारी जो होती है खतरे की घंटी होती है। तो चलो गाइस वीडियो को हम शुरू करते हैं। उससे पहले बताना चाहूँगा गाइस अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा दो ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है विकास और आज आप देख रहे हो टेक्निकल जीनियस। तो दोस्तों हमें क्या करना है उसके लिए सबसे पहले हमें जाना है अपने प्ले स्टोर में। हम अपने प्ले स्टोर को कर लेते तो ओपन और यहाँ पे हमें सर्च मारना है ऑल बैंक बैलेंस इंक्वायरी। तो गाइस आप ये वाला एप्लीकेशन आप देख रहे हो बैंक बैलेंस चेक ऑल अकाउंट इंक्वायरी। तो दोस्तों इस वाले एप्लीकेशन का आप लोगो देख लो, इस वाले एप्लीकेशन का आप लोगो देख सकते हो। और गाइस अगर हम इसकी रेटिंग की बात करें तो 4.3 की इसकी रेटिंग है और 10 मिलियन लोगों ने इसको डाउनलोड किया है। तो गाइस आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो आपके 10 मिलियन लोगों ने इसे डाउनलोड किया है। तो गाइस आप समझ सकते हो कि ये एप्लीकेशन कितना अच्छा एप्लीकेशन है। तो गाइस इसमें लिखा हुआ है कि बैंक बैलेंस चेक और अकाउंट इंक्वायरी। तो ऐसा नहीं है कि इसके अंदर आप बैंक बैलेंस ही चेक कर सकते हो, इससे जो अपना मोबाइल नंबर जो है उसे चेंज कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो। तो गाइस सिंपली क्या करना है आपको कि इस वाले एप्लीकेशन को आपको अपने मोबाइल में कर लेना इंस्टॉल। तो दोस्तों देखिए मैंने अपने मोबाइल में इसको इंस्टॉल कर लिया है और इसको इंस्टॉल करने के बाद क्या करना है हमें कि सिंपली इस एप्लीकेशन को हम यहाँ से कर लेते हैं ओपन। जब हम इस एप्लीकेशन को यहाँ से ओपन करते हैं तो हमारे पास गाइस देखिए कुछ इस तरीके का इंटरफेस नज़र आएगा। और इसमें हमें क्या करना है, इसमें जो हमें क्या करना है गाइस आप ऊपर देख रहे हो HDFC बैंक। तो गाइस सिंपली इस पर हमें करना है क्लिक और क्लिक करने के बाद जो है गाइस इसमें हमें सेंट्रल बैंक हमें यहाँ पे ढूंढना है। तो चलिए गाइस हम यहाँ पे सेंट्रल बैंक यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं हम ढूंढ के। तो गाइस आप देख सकते हो कि सेंट्रल बैंक जो है मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट करने के बाद गाइस आप देख सकते हो कि SMS बैंकिंग, नेट बैंकिंग और बैंक बैलेंस चेक। तो गाइस सिंपली आपको क्या करना है, बैंक बैलेंस जो चेक लिखा हुआ है इस पर आपको करना है क्लिक। तो गाइस सिंपली आप इस पर जब क्लिक करते हो तो गैस क्या हुआ कि आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस रहेगा। आपके पास तीन नंबर्स होंगे, एक तो बैंक बैलेंस का जिसे आप चेक करोगे मिस कॉल करके। तो गैस वो नंबर है 9015483483। तो गैस इस नंबर पर जब आप मिस कॉल करते हो तो आपके पास जो मैसेज के थ्रू आपके पास पता चल जाएगा कि आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं। और गैस उसके बाद बात करते हैं सेकेंड ऑप्शन की। सेकेंड ऑप्शन गैस मिनी स्टेटमेंट। तो गैस मिनी स्टेटमेंट जो है गैस ये जो नंबर है गैस मिनी स्टेटमेंट का, इस पर जब आप मिस कॉल करते हो अपने रजिस्टर मोबाइल नंबर से तो उस मोबाइल नंबर पे जो गैस यहाँ पे मिनी स्टेटमेंट जो भी आपने पेमेंट विड्रॉल या जो भी आपका ट्रांजेक्शन वगैरह हुआ होगा वो आपको पता चल जाएगा। और गैस उसके बाद आते हैं कस्टमर केयर। तो गैस आप कस्टमर केयर आप देख सकते हो, कस्टमर केयर का जो नंबर है इस पर आप कॉल करके कस्टमर केयर से बात कर सकते हो। बट गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया कि घर बैठे ही आपको मोबाइल नंबर अपना अपडेट करना है तो वो कैसे अपडेट करना है मैं बताता हूँ। तो गाइस आप ये नंबर देख रहे हो कि 1800425018। तो गाइस इसमें जो आप देख रहे हो कि लास्ट में जो गाइस लिखा हुआ है 500, इसकी जगह आपको क्या करना है गाइस 311 कर देना है। तो गाइस 500 की जगह आपको कर देना है सिंपली 311 और 18। तो गाइस ये नंबर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 1800423118। तो गैस इस नंबर आप पे आपको क्या करना है, यहाँ से आपको आपको इस नंबर पे क्या करना है, इस नंबर को मैसेज में जाना है आपको। मैसेज में चला जाता हूँ मैं। तो गैस हमें यहाँ से मैसेज में जाना है, यहाँ से मैसेज एक टाइप करना है हमें
तो गाइस हम यहाँ पे नंबर डाल लेते हैं 1800 4 2 3 3 टाइम 1 8। तो गाइस इस वाले नंबर पर आपको क्या करना है कि इस वाले यहाँ पे आप आओगे एंटर मैसेज पे, और यहाँ पर आपको क्या टाइप करके भेजना है, कैपिटल में आपको लिखना है REG स्पेस देके आपको डाल देना है गैस अपना आपका अकाउंट नंबर। ठीक है गैस, मैं आपको एग्जांपल के तौर पर समझा रहा हूँ। तो गैस जो भी आपका अकाउंट नंबर हो वो यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर डाल देना है, और सिंपली क्या करना है कि गैस आपको सिंपल यहाँ से मैसेज को सेंड कर देना है। तो गैस यहाँ से मेरा मैसेज तो नहीं गया क्योंकि मेरे अकाउंट इस नंबर से मेरा अकाउंट कोई भी अकाउंट नहीं है सेंट्रल बैंक में, तो गैस मेरे तो मैसेज यहाँ से नहीं गया। बट आपका जिस नंबर से आपका अकाउंट होगा आपको सिंपली क्या करना होगा, REG और अकाउंट नंबर यहाँ पर डाल देना है। जब आप अकाउंट नंबर डालोगे तो आपके पास जो गैस क्या होगा, तो गैस जब आप ये SMS करोगे तो क्या होगा गैस 24 घंटे के अंदर जो है आपके पास जो गैस बैंक से जो एक SMS आएगा, और SMS में लिखा हुआ आएगा आपका डिटेल्स लिखा हुआ आएगा, या इस नव अकाउंट नंबर से डिटेल फेच कर लेंगे, आपका पूरा डिटेल्स आएगा वहाँ पर लिखा हुआ, और वहाँ पर लिखा हुआ गैस कि मोबाइल नंबर चेंज। तो गैस मोबाइल नंबर चेंज लिखा होगा, उसका आगे देख लेना आपकी कौन से नंबर पर 1 या 2 पे जो भी हो वो यहाँ पे 1 या 2 यहाँ पे टाइप करके हमें भेज देना है। जैसे ही मोबाइल नंबर चेंज लिखा होगा 1 का यहाँ टाइप करके 1 करके हमें भेज देना है। उसके बाद गैस लिखा हुआ आएगा यहाँ पे ओल्ड मोबाइल नंबर, तो गैस आपको ओल्ड मोबाइल नंबर डालना है। ओल्ड मोबाइल नंबर डालने के बाद आपके पास OTP आएगा, तो वही OTP जो है गैस यहाँ पे SMS करना है OTP। OTP डालने के बाद जो गैस आएगा एंटर योर न्यू मोबाइल नंबर, तो गैस न्यू मोबाइल नंबर जो भी आपको यहाँ पर रजिस्टर करना है वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ से डाल देना है। तो गैस सक्सेसफुली वेरिफिकेशन आपका यहाँ से हो जाएगा, और वो जो आपका मोबाइल नंबर है 24 घंटे के अंदर जो आपका मोबाइल नंबर सिंपली आपके अकाउंट में अपडेट या चेंज हो जाएगा। तो गैस देखिए आज की वीडियो में बस इतना ही, आशा करता हूँ गैस कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। कुछ नहीं है गैस, बहुत सिंपल है, अपने घर में बैठ के आप मोबाइल नंबर रजिस्टर कर सकते हो, कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, तो आशा करता हूँ गैस आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और गैस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहे। तो चलिए गैस मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।